सो व्हाट्स अप किलर, इट्स मी टू सील ग्लैडिएटर गाइस, वेलकम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज गाइस हम बात करने वाले हैं GTA 5 के नए अपडेट के बारे में। तो गाइस GTA 5 में एक नया अपडेट है था जिसका नाम था लास्ट समर गाइस। उसमें जो है आपको बहुत बढ़िया बढ़िया गन्स थे और उसके साथ जो है नए नए कार्स ऐड हुए थे और नए नए पेडेस्ट्रियंस गाइस, नए नए मिशंस भी थे। तो गाइस मुझे वो अपडेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया और गाइस मैंने गेम को अपडेट करा। मैं क्रैक फाइल्स मैंने आपको बताया गाइस कि क्रैक से कैसे अपडेट करते हो। तो गाइस अपडेट हो गया, लेकिन गाइस जब भी मैं गेम खोल रहा था तो गाइस एकदम गेम क्रैश हो रहा था और बंद हो रहा था। तो गाइस मैंने एक ही एडजस्टर फाइल यूज़ की थी और गाइस जब भी मैं फाइल यूज़ करके बस एक सेकेंड हुआ था और गाइस GTA 5 का नामो निशान मिल चुका था। तो गाइस मैं जो है GTA 5 की कॉपी जो है मेरे SSD में सेव करके रखा था। तो गाइस मैं उसमें से जल्दी जल्दी डाल देता हूँ गाइस। फिर क्या हुआ, तभी भी जो है GTA 5 काम नहीं कर रहा था। तो गाइस मुझे जो है अब फिर से 100 GB डाउनलोड करना पड़ा गाइस। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर GTA 5 रिलोडेड 59 GB है और अब हुआ गाइस 2 दिन 1 घंटा तक टाइम ले लिया ये होने और गाइस 60 GB डाउनलोड हुआ ये। और गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ और ये 60 GB और गाइस इसका जो अपडेट है मैंने गाइस वो अपडेट भी फिर से डाउनलोड किया है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये है GTA 5 का जो मेन है, मैंने अपनी वीडियो में बताया था कैसा करना है, लेकिन गाइस अब मुझे ही करना पड़ रहा है फिर से। और गाइस ये है GTA 5 का वो अपडेट जो गाइस लिटरली 60 GB का है भाई। अपडेट के लिए तो गाइस मुझे लिटरली 1 वीक जिस दिन से ये हुआ डिलीट, तो गाइस मैंने उसी टाइम से अब तक भाई साहब, और गाइस मुझे इतना गुस्सा आया फिर लिटरली भाई दिमाग ख़राब हो गया, क्या भी बोलो भाई साहब। भाई जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गाइस फ्रीडम फाइटर्स, रेड ओशन, फेट और माइनक्राफ्ट, वैलोरेंट भी गाइस डाउनलोड कर रखा है। तो गाइस आपको शायद इन सब के गेम प्लेस मिलने वाले हुए। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा ऑसम गेम्स है, शायद आपको आज ही मॉडर्न कॉम्बैट 5 FPS का भी गेम प्ले मिल सकता है या फिर काउंटर क्रिटिकल स्ट्राइक का भी मिल सकता है। तो गाइस मैं दोनों भी वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, पता नहीं गाइस क्या होने वाला है, लेकिन गाइस मैं लिटरली गाइस अब मुझे खाली इसके सोर्स डाउनलोड है, अब मुझे इस फाइल्स को अनपैक करा। तो सोचो भाई अनपैक करने में और भाई साहब शायद और 1-2 दिन लग सकता है, क्योंकि गाइस उसका अपडेट फाइल को भी अनपैक करना है। तो सोचो गाइस पहले उसको डाउनलोड करके रखो, फिर उसको अनपैक करो, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करो। गाइस ये जो है बहुत ही लिटरली बहुत बड़ा प्रोसेस है GTA 5 को डाउनलोड करना। और गाइस यहाँ पर मेरा 100 GB का जो फाइल था गाइस वो डिलीट हो गया 100 GB। अब गाइस मैंने दोबारा से 100 GB डाउनलोड करा और गाइस मुझे लिटरली इतना सर में दर्द रहना। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि खाली खा रहा मैं पूरे GTA 5 भर के रखते हुए था। अब गाइस इतना सुकून मिल रहा थोड़ा बहुत तो हुआ बोल के। तो चलो यार 1-2-3 दिन में मिलेंगे एक नए GTA 5 के वीडियो के साथ। तो चलो यार आज की वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर। लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बताने भूल गया, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि मोड्स कहाँ हैं बल्कि पूछ रहे थे। तो गाइस यहाँ पर है मेरा मैप्स का, यहाँ पर मैंने बहुत सारे मैप्स का जो फाइल है वो यहाँ पर रखा है। मैं अपनी मर्जी से चाहे जो मैप मुझे चाहिए वो ऑटोमेटिकली लोड कर लेता। और गाइस ये है मेरा जो है स्क्रिप्ट्स का फाइल, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मैप एडिटर मिलने वाला है और पैसिफिक स्टैंड की जो हीस्ट है वो मिलने वाली है, पलीटो बैंक की मिलने वाली है और नॉर्मल बैंक्स की मिलने वाली है। और गाइस स्टोरी मोड होने वाला है और टेररिस्ट मोड होने वाला है गाइस। तो देख सकते हो गाइस कितना ऑसम। और गाइस ये है मेरा मेन्यू स्टफ जिसमें शायद टेक्नो गेमर्स या सारे लोग यही यूज़ करते हैं। और गाइस ये जो है मेरे वो पर्सनल है, यानी ओपन इंटीरियर्स, आप कौन से भी घर में जा सकते हो। और ये है नॉर्थ यांगटन, आप नॉर्थ यांगटन में आ सकते हो गाइस। तो गाइस बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपडेट्स इसमें आ रखे हैं। तो गाइस कोई बात नहीं, आज मैं जो है मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है लेजी कारनामा, तो गाइस आज मैं उससे बात करने वाला हूँ गाइस। जो भी नए नए अपडेट्स आने वाले गाइस मैं मेरे दोस्त से लेने वाला हूँ। तो पता नहीं अब वो मुझे और कितने नए नए क्रैक फाइल्स देने वाला है, देखते गाइस क्या होता है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर।